सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के कमी से ट्रॉपिकल इंट्रोवर्टी नाम के बीमारी होते हैं। ये तो बुरी आत्माओं से प्रभावित है। मेरा मर्द वो आत्माओं को भगाते हैं। ऐसा नहीं होता है दीदी। अस्वच्छता के वातावरण में रहे छोटे छोटे बच्चे जो आँख खुले में मल त्याग करते हैं ना, उन लोगों से बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं। इसीलिए खुले में मल त्याग करना बंद करना होगा और मल त्याग करने के बाद साबुन से हाथ धोना होगा। ये लोग ऐसे ही बक रहे हैं। चाची, अब बस सुनती जाओ। हाँ, मुझे उस दिन डॉक्टर साहब ने बताया था। एक मिनट, चुप रहिए। सुनिए तो। आप लोग पहले सुन तो लीजिए। अपर्णा आपसे कुछ कहना चाहती है। ये आप लोगों की बेटी है, आप लोगों के गांव की बेटी है, इसीलिए ये गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहती है। आप लोग कृपया करके अपर्णा का साथ दीजिए। हमारे घर में पूजा गृह के स्थान को साफ रखा जाता है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए इसके साथ बाकी घरों को भी साफ रखना चाहिए। हाँ, हमारा तो यही काम है, साफ करना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कचरे को बाहर फेंकते हैं और उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है कि नहीं? हाँ। और इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तभी तो वातावरण साफ रहेगा, है कि नहीं? हम गरीब है, शौचालय कैसे बनाएंगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। अब शौचालय बनाना एकदम आसान है, सस्ता है। सरकार आप लोगों को मुफ्त में बना कर देगा और तो और ऊपर से आप लोगों को 2200 रुपए भी मिलेंगे। क्या होता है, खुले में मॉल त्याग करने पर आप लोग बीमार पड़ेंगे और गरीबी की कुचक्र में आप लोग फंसते जाएंगे। ठीक है, बड़ी आई थी गांव सुधारने के लिए, परिणाम क्या हुआ? बदनाम हो गए हम लोग।
अब गांव के लोग हमारे हुक्का पानी बंद करने के लिए सोच रहे हैं। अरे किस तरह रह पाएंगे हम इस गांव में? तू काल ही शहर चली जा बेटी। हाँ। क्यों माँ, मेरा कसूर क्या है? अरे सब कुछ हो जाने के बाद अब पूछ रही है मेरा कसूर क्या है? अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप क्या बोल रहे हैं मौसा जी, अपराधों लाखों में एक है, आप इनको पहचानने में गलती कर रहे हैं। ये तो गांव के लिए ही कुछ कर रही है ना, आप इसे क्यों गलत समझ रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहूँ पिताजी? बोल। अगर दीदी ना होती तो मैं भी आज चंदन की तरह कब का मर चुका होता। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। सच कह रहा हूँ माँ, तुम ही बताओ दीदी की गलती क्या है? वो तो गाँव वाले की भलाई के लिए ही तू दिन रात एक कर रही है। सरकार मुफ्त में शौचालय दे रही है, इसमें तो गाँव वाले के ही भलाई है। लोग स्वस्थ रहेंगे, सुस्त रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे, क्या ये बुरी बात है माँ? हाँ देबू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू अपनी दीदी की तरफदारी कर रहा है, तेरा अक्कल घास चढ़ने गया है क्या? रीनी बेटी, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गाँव है, वहाँ सब कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ नहीं। आप गलत समझ रहे हैं मौसा जी, स्वच्छता के लिए गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है, स्वच्छता रहेगी तभी तो शहर रहेगा। कहाँ जा रही है बेटे? गांव वालों को समझाने माँ। चल चलते। बैठ बैठ, खबरदार एक कदम भी घर से बाहर निकाली तू, अब तक तेरा मन नहीं भरा, फिर से वही गलती दोहराने जा रही? तो फिर मैं क्या करूं पिताजी, एक कोने में बैठे रहूं? हाँ, यही बेहतर होगा। माँ तुम भी? रामपुर शहर नहीं बेटी, गांव है। क्या जरूरत थी तुम्हें डॉक्टर के साथ घूमने फिरने का? कर दिया ना मुंह काला। आप क्या बोल रही हैं मौसी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ जिसे इस घर का बदनामी हो। कुछ नहीं किया इसलिए हम लोग आज बिरादरी से बाहर हो गए हैं। अरे डॉक्टर का क्या, आज है कल चला जाएगा? अरे जिंदगी भर बदनामी के दाग लिए बिन ब्याहे इस घर में बैठे रहना पड़ेगा तुझे, समझ गई ना? अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर मैं आपकी लड़की से शादी कर लूं तो? नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो ही। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आज तो हद हो गया भाई, डॉक्टर और अपराजिता घर के अंदर है अकेले, माँ बाप कोई भी नहीं है, अब क्या करें आप ही बताइए। बिरादरी से बाहर कर देंगे उस परिवार को। बिरादरी से उस परिवार को बाहर कर देंगे, चल तभी बहुत अच्छा होगा, वो लोग तो यही चाहते हैं। एक ही बार में सबको खत्म कर देना चाहिए। ना रहेगा बास ना बजेगा बसूरी, चलो चल चलो चलो। हाँ चल चल। ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ डॉक्टर और अपरा के बीच में तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि कुछ अनर्ट हो जाए हमें अपरा को सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो, आज दोनों को देख लेंगे। चलो, चल, 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 चल। नहीं छोड़ेंगे किसी एक को भी आज। या क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पता नहीं इस समय ऐसा प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखना उचित है या नहीं। अपरा क्या हुआ? अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हाँ रामेश्वर और मनमोहन यही गांव वालों को लेकर आ रहे हैं तुम लोगों को मारने। क्या? क्यों, हमने क्या किया? क्या बताओ,
वो दोनों रामेश्वर के समसे है। तुम्हारे वजह से लक्ष्मीकांत का भांडा जो फोड़ गया ना। दिगंबर, आए दिगंबर, निकल बाहर। तेरे परिवार में शर्म हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? बाहर निकल। अब तक तो जो कुछ हो रहा था घर के बाहर हो रहा था, अब घर के अंदर भी। बेटी के साथ साथ तुम भी बेशर्म हो गए हो क्या? देख क्या रहे हो तुम लोग, बाहर निकालो डॉक्टर और शहरी लड़की को। चल रिमी, चल। अरे अकेली कहाँ जा रही हो तू? आप कुछ कीजिए ना। अरे रुको, सुनो ना। कौन मारना चाहता है आ सामने? अरे अपरा, तुम शांत हो जाओ। वायो, मेरी लक्ष्मीकांत के पिल्लू, पहले तुम दोनों क्यों नहीं आते? आओ दिखाओ अपना बहादुरी। हाँ आ जाओ, हम औरत भी मर्द से कम नहीं है। हम औरत पे हाथ नहीं उठाते, इसलिए तू अभी तक जिंदा है। क्या हो रहा है बेटी? हाँ क्या हो रहा है? आप लोगों को किसने भड़काया है? बात ऐसा नहीं है, आप लोग तुम लोगों की गिदड़ धमकी से हम नहीं डरने वाले। हम तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे? इसकी साहस तो देखो कैसे आगे बढ़ रही है। ये गाँव वालों देख क्या रहे हो? लड़के रुक, आगे मत बढ़ो, आगे मत आओ, रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ, कोशिश करो पीछे पीछे, आगे मत बढ़ना, मैं बोल रहा हूं आगे मत बढ़ना। ए लड़के रुक, उधर ही रुक। अरे बेटी पीछे पीछे, को समझाओ ना। रुक जाइए, रुक जाइए। ए बोला तो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बेटी हम नहीं देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन रुक रुक रुक, अरे संभालो इसको। अरे अरे रुक, बोल रहा हूँ ना, रुक। अरे ध्यान से लड़के, रुक। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दीदी शहर जा रही है। हाँ शहर, क्यों जा रही हो शहर? यहाँ रहकर क्या करना है मुझे? तुमने इस गांव को स्वच्छ बनाने की कसम खाई थी, क्या हुआ उस कसम का? इस बदनामी लड़की की बात कौन सुनेगा? अपरा, तुम अपने आप को बदनाम मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख अपरा, तू हम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुझको इस गांव की जरूरत है। कल तुम और रिमी ने जो बहादुरी दिखाई मुझे बहुत अच्छी लगी। रिमी तुम ही समझाओ ना इसे। अपरा, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस गांव को तुम्हारी जरूरत है। तुमने जिस काम को हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही शहर आना, अधूरा मत छोड़ना। और मैं भी इंतजार करूंगी उस अपरा के लिए जिसने गांव की भलाई के लिए अपने जान तक की बाजी लगा दी। ये बहुत अच्छी बात है, और तुम दोनों इसका साथ देना, ठीक है? और मैं तो चली जाऊंगी, मेरा काम भी है। लेकिन अपरा, विश यू गुड लक। रिमी बेटी, तुम जा रही हो? हाँ मौसा जी, मैं जा रही हूँ। बेटी तू अपरा को भी साथ लेके जाओ। नहीं मौसी, अपरा को यहाँ रहना चाहिए। नहीं रिमी बेटी, नहीं, अपरा को यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसे शहर में रहना ही अच्छा होगा। नहीं मौसा जी, देखो हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, अपरा की भविष्य की बात है, उसका क्या होगा, हम क्या करेंगे? अरे मौसी जी, वर्तमान अच्छा रहेगा तभी तो भविष्य अच्छा होगा ना। रिमी मैं बार बार कह चुका हूँ, ये तुम्हारे शहर नहीं है, हमारा गांव है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मौसा जी आप तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। रिमी बेटी, अपरा हमारी एक लौटी बेटी है, ये बदनाम लेके हम कैसे जिएंगे बोलो? तुम अपरा को साथ लेके जाओ, यही अच्छा होगा। मौसा जी, मौसी जी, प्लीज आप दोनों अपरा का साथ दीजिए, समझिए अपरा को, ये आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज मौसा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, मौसी जी आप भी, आप अपरा का साथ दीजिए प्लीज, मेरी विनती है, मैं बार बार कह चुकी हूँ आप लोगों से, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए।
हे भगवान, दया करो। क्या हुआ? मेरा लाल बार बार उल्टी कर रहा है और उसका ज्यादा बुखार भी है। कुछ तो कीजिए ना। क्या करूंगा मैं? अस्पताल ले चलती हूँ। अस्पताल? नहीं नहीं। क्यों? तब तो झाड़ फूक कीजिए ना, कुछ भी कीजिए। झाड़ फूक से ये ठीक नहीं होगा। तो फिर चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल? नहीं। क्यों नहीं? अपरा का भाई भी डॉक्टरी इलाज से अच्छा हो गया था। हाँ हाँ जानता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत ओझा हूँ। 100-100 मील दूर तक मेरे नाम जानते हैं। मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे? अपरा, अपरा ठीक कह रही थी। अपरा क्या कह रही थी वो? ये झाड़ फूक सब बकवास है। आज जो खा पी रहे हो ना, ऐश कर रहे हो, इसी झाड़ फूक के वजह से। क्यों झाड़ फूक से अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकते हैं? रीना चिल्लाओ मत, अगर आपकी वजह से मेरे लाल को कुछ हो गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ मैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आइए डॉक्टर साहब। कब से? 2 दिन से। आज बढ़ गया है बीमारी और उल्टियां भी होने लगा है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अब रुकिए, मुझे देखने लीजिए। आपने बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर देना। अपरा मुझे माफ कर देना, मैंने अपने मतलब के लिए बहुत पाप किया। लक्ष्मीकांत भैया, आप अपने किए के लिए पछता रहे हैं, यही बहुत है। अभी हम गांव के लिए शौचालय बनवा सकते हैं ना? क्यों नहीं अपरा, जरूर, मैं तुझे वचन देता हूँ, जब तक गांव के हर एक घर में शौचालय नहीं बनते, तब तक मैं हर एक घर में जाके बोलूंगा कि शौचालय बनाए। और आपका ओझागिरी का क्या? धार में जाए ओझागिरी,
अभी खेती करूंगा, कुछ काम धंधा कर लूंगा। अरे रामेश्वर मनमोहन, कहाँ से? ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। लेकिन ये सब क्या कर रहे हो? ये सब शश्वता है, स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, अपने स्वास्थ्य के लिए ही सही। मैंने तो अपना वातावरण स्वस्थ बना लिया है। आप तो एकदम डॉक्टर बन गए हो भैया। पर इससे हमारा आमदनी कैसे होगा भैया? डॉक्टर और अपराजिता के चक्कर में तो आपने अच्छा खासा धंधा ही छोड़ दिया। अब पाप धोने का समय है रामेश्वर, और मुझे तो ये सब करके मजा आने लगा है। पर लोग क्या कहेंगे भैया? लोगों का कौन परवाह करता है, मुझे तो अच्छा लगता है ये सब करके। मैं चाहता हूँ गांव प्रदूषण मुक्त रहे। अगर तुम लोग मेरे साथ ना देना चाहते हो तो ना सही, मैं अकेले ही अपना काम करूंगा। आप लोग ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटी आज हम सब मिलकर विद्यालय का सफाई कर रहे हैं। किस लिए? पूजा के लिए बेटा। पर पूजा तो मंदिर में होती है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुमने, लेकिन ये स्वच्छता का पूजा है। अति उत्तम विचार है आपके लक्ष्मीकांत जी, पर स्वच्छता के अर्थ ये नहीं है कि आसपास के कूड़े कचरे को इकट्ठा करें। शुद्ध और सुरक्षित पेयजल तथा शौचालय के आसान तरीके से निकास करना ही स्वास्थ्य का अर्थ होता है, स्वच्छता का अर्थ होता है। डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसे बीमारियों से मुक्त पाने के लिए ही सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाने की व्यवस्था की है। हाँ समझ गया, मैं भी अपने घर में शौचालय बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं सरकार से कैसे संपर्क करूँ? स्वच्छता अभियान के जानकारी है तो हम लोग ग्राम जल स्वच्छता मिशन ऑफिस से जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुना है इसके लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो? नहीं भैया, ये सब अफवाह मैंने अपने स्वार्थ के लिए फैलाए थे। आप लोगों को तो ऊपर से 2200 रुपए मिलेगा सरकार की तरफ से। तब तो हम भी शौचालय जरूर बनाएंगे। हम भी बनाएंगे शौचालय।